सर्वेभ्यो नमांसि। रसगङ्गाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तोतुम् अहमत्र उपस्थितोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तं पण्डितराजोक्तं काव्यलक्षणं, तल्लक्षणस्य परिष्कारः, प्राचीनानां काव्यलक्षणानां विमर्शः प्रस्तुतः आसीत्। इत्थं काव्यस्य प्रयोजनं, काव्यस्य लक्षणं च ज्ञात्वा तत्पश्चात् तत्प्रभेदान् कथयितुं प्राक् तस्य कारणं किं, काव्यस्य कारणं किम् इति विमर्शयितुं पण्डितराजः प्रवर्तते। किसी भी पदार्थ का लक्षण आदौ जानना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार काव्य का लक्षण क्या है और उस लक्षण में क्या क्या परिष्कार ले आना चाहिए और ये लक्षण कैसे प्राचीन आचार्यों से उक्त लक्षण से सर्वथा भिन्न है, विशेष है, ये सब प्रतिपादन करने के बाद सहजतया अकृत्रिमतया जो जिज्ञासा जाग उठती है, अगर काव्य का लक्षण ये है, अगर काव्य इसे कहते हैं तो इसका कारण क्या है, तो इस प्रकार उस काव्य के कारण के बारे में चर्चा करने के लिए अभी पंडित राज प्रवृत्त होते हैं। उनका वाक्य है, तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। अत्र अंशद्वयं विचारणीयं। केवला प्रतिभा इत्यनेन, केवला इति शब्देन प्रतिभा एव काव्यस्य कारणं, न तु नान्यत्। प्रतिभा से इतर और कोई दूसरा काव्य के प्रति कारण नहीं बन सकता है। इससे जितने भी प्राचीन आचार्यों के मत है, जहाँ पर शक्तिर निपुणता, लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे इति, शक्ति निपुणता अभ्यास का त्रितय जो समुदाय है उसका जो काव्य कारणत्व स्वीकार किया गया है प्राधान्येन, उन सबको जो है निराकरण करते हुए पंडित राज केवला प्रतिभा से ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि काव्य का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा होती है और साच प्रतिभा कविगता भवति। यतो हि अभिनवगुप्तादिभिः प्रत्यभिज्ञानदर्शनेन अथवा प्रत्यभिज्ञान दर्शन के बल से प्रतिभायाः बोद्धव्येपि, अर्थात जो श्रोतागण है, जो सहृदय है, सहृदयेष्वपि प्रतिभायाः कथञ्चित् स्वीकारः अभिनवगुप्तादिभिः कृतः इति ध्वन्यालोकलोचनादिषु कुत्रचित् दृश्यते। तो इसलिए उसको भी यहाँ पर निराकरण करते हुए, अर्थात निराकरण का मतलब है कि उस प्रकार की प्रतिभा हमें यहाँ अभीष्ट नहीं है, हमें तो यहाँ उस प्रकार की प्रतिभा अभीष्ट है जो कविगता हो और काव्य का कारण हो। तो का नाम प्रतिभा, यद्यपि प्रतिभायाः लक्षणं, प्रतिभायाः विवरणं लोके सुप्रसिद्धमेव वर्तते, बुद्धिर्नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति एतद्वाक्यं तु सुप्रसिद्धमेव वर्तते, तथापि पंडितराज स्वयं वक्षति प्रतिभा नामका इत्युक्ते प्रतिभा सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। काव्य को घटन करने के लिए, घटित करने के लिए, काव्य निर्माण के लिए अनुकूल शब्द और अर्थ की जो उपस्थिति होती है बुद्धि में, उसी को हम प्रतिभा कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर विमर्शात्मक एक विवरण है प्रतिभा का। प्रतिभा नामक एक ऐसी चीज़ है जिससे काव्य को घटित करने के लिए, काव्य को संगठित करने के लिए, काव्य को निर्माण करने के लिए अनुकूल जितने भी शब्द और अर्थ होते हैं, उन सभी काव्यानुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति, कभी कभी सिर्फ शब्द की उपस्थिति होती है, अर्थ की उपस्थिति नहीं होती है। किसी के पास अर्थ होता है किंतु उसको अभिव्यक्त करने का शब्द नहीं होता है। अतः काव्य घटनानुकूल शब्दार्थानाम उभयान द्वयानामपि, शब्दार्थद्वयोः अपि उपस्थितिः एव प्रतिभा इति कथ्यते। तर्हि प्रतिभायां प्रतिभात्वं कथं सिद्ध्यति, प्रतिभा अर्थात कैसे उसमें एक प्रतिभात्व होना चाहिए, प्रतिभात्व के बिना तो प्रतिभा की सिद्धि कैसे होगी।
अतः प्रतिभायां यत् प्रतिभात्वं तत् प्रतिभात्वं कथं सिद्ध्यति, तो उस प्रतिभात्व का कैसे सिद्ध होता है इसको बताते हैं पंडित राज। तद्गतं च प्रतिभात्वं अत्र तत्शब्देन प्रतिभा स्वीकार्य, प्रतिभागतं यत् प्रतिभात्वं तत् प्रतिभात्वं कथं सिद्ध्यति इति चेत्, काव्यकारणतावच्छेदकतया सिद्धः जातिविशेषः। प्रतिभात्वं नाम जातिः, तो इस प्रतिभात्व जाति की सिद्धि आप कैसे करते हैं? जिस प्रकार से गोनिष्ठ गोत्व है, क्या उस प्रकार से प्रतिभानिष्ठ प्रतिभात्व की सिद्धि आपको अभीष्ट है, या उसका कोई दूसरा तरीका है? नहीं, हमारे पास इसका कोई दूसरा तरीका है, क्योंकि गोनिष्ठ जो गोत्व है, गाय में रहने वाली जो गोत्व है, उस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रतिभात्व अभीष्ट नहीं है। हमको प्रतिभात्व उस प्रकार से सिद्ध करना है जिससे निस्संदेहतया विषय की प्रतिपत्ति, विषय का ज्ञान हमें बोध हो जाए। तो प्रतिभा काव्य कारणम, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो काव्य कारण है उसमें रहता है काव्य कारणता, और यदेतत् काव्य कारणता कारणता यत्किंचित् धर्मावच्छिन्ना भवति। सर्वदापि यत्र यत्र कारणतात्वं तत् कारणतात्वं यत्किंचित् धर्मावच्छिन्नं भवति। कारणात् कारणता हमेशा किसी ना किसी दूसरे धर्म से अवच्छिन्न रहती है। तो यहाँ पर जो काव्य कारणता है, काव्य कारणता भी यत्किंचित् धर्मावच्छिन्ना एव भवति, और वो क्या है? और वही है प्रतिभा निष्ठा काव्य कारणता। प्रतिभा में रहने वाला जो कार्य कारणता है, वो काव्य कारणता किसी दूसरे धर्म से अवच्छिन्न होता है, क्योंकि वो कारणता है, या जो जो कारणता होती है वो सब यत्किंचित् धर्मावच्छिन्ना भवति। जैसे दंडादिनिष्ठ घटकारणतावत् इति प्रयोगेण प्रतिभात्वस्य सिद्धिः। तो इस प्रकार से प्रतिभात्व हमारे यहाँ सिद्ध होता है, क्योंकि प्रतिभा में प्रतिभात्व भी रहता है और काव्य कारणत्व भी रहता है। पर प्रतिभात्व किस प्रकार से रहता है? काव्य कारणतावच्छेदक रूपेण प्रतिभात्व रहता है, अर्थात अन्योनातिरिक्त वृत्तित्वम अस्य विद्यते। प्रतिभात्वस्य अन्योनातिरिक्तत्वम विद्यते। जहाँ पर काव्य कारणता है, जिस जगह पर, जितने जगह पर काव्य कारणता है, बस उतने ही जगह पर प्रतिभात्व रहता है, न ज़्यादा न कम। अतः प्रतिभात्व की सिद्धि हमारे यहाँ काव्य कारणतावच्छेदकतया एव भवति। कुछ वेदांत के अभिप्राय से जाति न होने के वजह से पंडितराज उसका दूसरा प्रकार भी दे रहे हैं, उपाधि रूपम वा अखंडम। अखंडोपाधि भी हम कह सकते हैं, प्रतिभात्व जो है वो अखंडोपाधि है, अर्थात यस्य निर्वचनम न संभवति सह अखंडोपाधि। जिसका निर्वचन संभव नहीं होता है उसको हम अखंडोपाधि कहते हैं, और प्रतिभात्व का यतो ही निर्वचन संभव नहीं है अतः इसको हम अखंडोपाधि भी कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिभागत जो प्रतिभात्व है, उस प्रतिभात्व की सिद्धि काव्य कारणतावच्छेदकतया एव भवति। प्रतिभानिष्ठं धर्मद्वयं प्रतिभात्वं काव्य कारणता काव्य कारणत्वञ्च काव्य कारणत्वं अथवा काव्य कारणत्वेन सह प्रतिभात्वस्य अन्यूनानतिरिक्तत्ववृत्तत्वात्, उससे न ज़्यादा उससे न कम। बिल्कुल जहाँ तक काव्य कारणता, जितनी व्याप्ति काव्य कारणत्व की है, बस उतनी ही व्याप्ति प्रतिभात्व की भी है। इस प्रकार से काव्य कारणता से अवच्छेदक, काव्य कारणता का अवच्छेदक रूप में प्रतिभात्व को हमें सिद्ध करना है। यो आगे कहते हैं तस्याश्च हेतुः, तस्याः अर्थात प्रतिभायाः हेतुः। प्रतिभा काव्य कारणम् इत्यत्र नास्ति संशयः, किंतु सा प्रतिभा कथम जन्यते, कथम उत्पद्यते सा प्रतिभा इति जिज्ञासायां कथ्यते क्वचित् देवता महापुरुष प्रसादादिजन्यम् अदृष्टम्। देवताओं के अनुग्रह से या महापुरुषों के अनुग्रह से उत्पन्न जो अदृष्ट होता है, जो पुण्य विशेष होता है, वही एक हेतु, वो एक हेतु हो सकता है प्रतिभा के उत्पत्ति में। क्वचिच्च अथवा विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ, अलौकिक एकदम विलक्षण जो व्युत्पत्ति है
निपुणता जो है वो, और काव्य करणाभ्यास, काव्य का बार बार रचना करने की जो अभ्यास है, ये दोनों व्युत्पत्ति और अभ्यास भी प्रतिभा के लिए हेतु बन सकते हैं, और या तो अदृष्ट भी प्रतिभा के लिए हेतु बन सकता है। ऐसे इन तीन विषयों को दो खंडों में बांट दिया है पंडितराज ने। या तो अदृष्टम प्रतिभायाः हेतुः, व्युत्पत्त्यभ्यासो वा प्रतिभायाः हेतुः, न तो त्रयमेव। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों ही प्रतिभा का हेतु है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्वचित केवलादेव अदृष्टात् प्रतिभोत्पत्ति दृश्यते, क्वचित महापुरुषादि अनुग्रह जन्यम यद अदृष्टम तद्विनापि, महापुरुषादि और देवता प्रसाद आदि से जन्य जो अदृष्ट होता है, उस अदृष्ट के बिना भी सिर्फ व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी प्रतिभा की उत्पत्ति देखने को मिलती है लोक में। और कभी कभी व्युत्पत्ति और अभ्यास न रहते हुए भी सिर्फ महापुरुषों के अनुग्रह से उत्पन्न जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट से भी कभी कभी प्रतिभा की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अतः ये अलग अलग ही हमको स्वीकार करना चाहिए, ये पंडित राज का अभिप्राय है। वही बता रहे हैं, बालादेह तौ विनापि, बालादेह एक बाल कवि है, छोटा बच्चा है पर वो कविता कर सकता है, तो उसमें आप कहाँ से व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करेंगे? जन्मांतरी कल्पना करने में क्या आपत्ति है, ये तो आगे खुद पंडित राज बताएंगे। तो अभी तो इस जन्म में तो उसने व्युत्पत्ति हासिल नहीं की है, न अभ्यास किया है काव्य करने का, फिर भी एक बालक, एक छोटा सा बालक जब कवि बनता है तो उस, अगर वो जो बोल रहा है अगर वो काव्य है, तो उस काव्य के पीछे जो कारण होगा वो प्रतिभा होगी। ओ, उस प्रतिभा का जन्म कैसे हुआ? ना तो उसमें व्युत्पत्ति है, ना तो अभ्यास है। व्युत्पत्ति और अभ्यास के बिना पर उसमें प्रतिभा तो है, बिना प्रतिभा का तो काव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये कार्यानुमान से, यतो ही इदम पद्यम काव्यम, भले ही वो बालक के द्वारा रचित हो वो मायने नहीं रखता है। यतो हि यस्मात् कारणात् इदं पद्यं काव्यं तस्मादेव कारणात् तस्य काव्यस्य स्यात् कश्चन हेतुः, और सच हेतुः प्रतिभा एव, यतो हि तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा, काव्यस्य कारणं तु प्रतिभा एव भवति नान्यत्। तो फिर इसमें प्रतिभा कैसे आई, इस बालक में प्रतिभा कैसे आई? तो ये कह रहे हैं, बालादेह तौ विनापि, अभ्यास और व्युत्पत्ति अभ्यासो विना भी केवलात् महापुरुष प्रसादाद भी, सिर्फ महापुरुषों के अनुग्रह से भी प्रतिभोत्पत्ते है, प्रतिभा की जो उत्पत्ति है वो देखने को लोक में मिलता है। तत्र ऐसे संदर्भों में तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः जन्मांतरीययोः कल्पनम न च वाच्यम्। वहाँ पर पूर्व पक्षी ये नहीं आक्षेप कर सकते हैं कि वहाँ जहाँ पर हमें बालकादि में जो प्रतिभा की उत्पत्ति दिखती है, उस प्रतिभा के पीछे व्युत्पत्ति और अभ्यास का भले ही इस जन्म में ना हो, किंतु जन्मांतरी या दूसरे जन्म में रहने वाले व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि गौरवाद, ये तो ही व्युत्पत्ति और अभ्यास तो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, ये तो ही ये दोनों जन्मांतरी क्योंकि आप कह रहे हैं, इसीलिए जन्मांतरी होने से वो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, और उसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रमाणांतर की अपेक्षा है, और उस प्रमाणांतर से आप सिद्ध कर देंगे ये भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गौरवाद, प्रमाणांतर सिद्धम प्रमाणांतरेणेव सिद्ध्यति इति हेतोः गौरवम्, और है मानाभावात् दृढतरं प्रमाणमपि नास्ति यत् अत्र जन्मांतरीयौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ भवतः एव इति, तत्र दृढतरं प्रमाणमपि नास्ति। तस्मात् एक तो गौरव है इस प्रकार स्वीकार करना, और दूसरा है प्रमाणाभाव है, और तीसरा है अन्यथा प्युपपत्तेश्च, कारण उसको कहते हैं जो अन्यथा अनुपपत्ति होनी चाहिए, इसके बिना वो उसका जन्म नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर बिना व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी प्रतिभा की उत्पत्ति हो रही है, तो अन्यथा भी उपपत्ति ही संभवती,
अन्यथा अन्य प्रकारेण प्रकारांतरेणापि प्रतिभायाः उत्पत्तिः दृश्यते तस्मात् अन्यथाप्युपपत्तिः संभवति इति अन्यथाप्युपपत्तेः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभाहेतुत्वस्वीकारे गौरवं तथा च व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रमाणं दृढं नास्ति इति हेतोः जन्मान्तरीयव्युत्पत्त्यभ्यासकल्पनं न कार्यम् इति पण्डितराजस्य अभिप्रायः। और एक और तर्क यहाँ देते हैं पंडितराज कि जन्मांतरी की कल्पना हमें कब करना चाहिए, जहाँ जहाँ हमको अनुचित लगे या जहाँ लगे कि हमारा पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो रहा है वहाँ वहाँ हम जन्मांतरी को नहीं ले आ सकते हैं। जन्मांतरीयस्य कल्पनम कदा कार्यम इति चेत् लोके ही, लोक में अर्थात शास्त्र में देखने को मिलता है कि बलवता प्रमाणेन आगमादिना, श्रुति स्मृत्यादि बलिष्ठ दृढ़तर जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों से सति कारणता निर्णय, कारणता निर्णय सति, किसी कार्य का कारणत्व निर्णय कर चुके हैं, अस्य कार्यस्य इदमेव कारणम् इति निर्णीतमेव, केन निर्णीतम् किं प्रमाणम् तत्र इत्युक्ते आगमादयः प्रमाणानि, जो श्रुति स्मृति इत्यादि प्रमाण है इन सभी बहुत सारे प्रमाणों से या एक या उनमें से किसी एक या दो प्रमाणों से हमने इस कार्य का यही कारण है इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया है। इसके बाद पश्चात उपस्थितस्य व्यभिचारस्य, इसके बाद एक व्यभिचार आ सकता है और वो व्यभिचार किस रूप में होता है, वो व्यभिचार इस प्रकार होता है कि कारणाभावेपि कार्य सत्व, कारण नहीं दिख रहा है किंतु कार्य तो दिख रहा है तो इसको हम कहते हैं व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार, इसको व्यतिरेक व्यभिचार कहते हैं, कारणाभावेपि कार्य सत्व व्यतिरेको व्यभिचार। तो इस प्रकार के व्यभिचार बाद में उपस्थित होता है और जो कारणत्व के निर्णय करने के बाद पश्चात काल में जब इस प्रकार का व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार पैदा होता है, इस व्यतिरेक व्यभिचार का वारण या उसको निवारण करने के लिए अन्यथा अनुपपत्या और कोई दूसरा मार्ग न रहने के वजह से जन्मांतरीयम धर्माधर्मादि कारणम कल्प्यते, जन्मांतरीय अदृष्ट का यहाँ पर या जन्मांतरीय कारण का यहाँ पर कल्पना की जाती है। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम यहाँ जहाँ पर बालकवि प्रसंग में प्रतिभा का हेतु है अदृष्ट, और अगर पूर्व पक्षी जबरदस्ती मानना चाहते हैं कि यहाँ पर जन्मांतरीय व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी प्रतिभा में हेतुत्व दर्जा दी जा सकती है, अथवा यह कहे कि जो बाल कवि में जो प्रतिभा दिख रही है उसमें जन्मांतरीय उसका व्युत्पत्ति और अभ्यास कारण है, अगर ऐसे कहने लगेंगे तो यह तो कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, हम तभी कह सकते हैं जब ये व्युत्पत्ति और अभ्यास से बालक में पूर्व जन्म में प्रतिभा की उत्पत्ति हो चुकी है इत्यादि जब हम कल्पना कर सकते हैं, उसको प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं, तब हम इस जन्म में जब वो उपस्थित नहीं है उसका जो, क्योंकि व्युत्पत्ति और अभ्यास भी जन्मांतरीय कल्पना करने का उद्देश्य क्या है, जन्मांतरीय व्युत्पत्ति और अभ्यास कल्पना करने की उद्देश्य सिर्फ ये है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास भी प्रतिभा में हेतु बनते हैं अदृष्ट के साथ साथ, अलग अलग नहीं, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है, उसका हृदय है। तो पूर्व पक्षी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ अदृष्ट से प्रतिभा की उत्पत्ति होती है, ये मानने को पूर्व पक्षी तैयार नहीं है, इसलिए वो जबरदस्ती व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी अदृष्ट के साथ जोड़ना चाहता है। और जब ये जोड़ना चाहता है और इस जन्म में जब उसको उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि ये बालक है, तो तब उसने कहा कि नहीं, जन्मांतरी व्युत्पत्ति और अभ्यास को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो पंडित राज कहते हैं देखिए महाराज, आप जन्मांतरी व्युत्पत्ति और अभ्यास को कब ले आइएगा, तभी आप ले आ सकते हैं जब जन्मांतरी जो ये व्युत्पत्ति और अभ्यास से इसी बालक में पहले प्रतिभोत्पत्ति हो चुकी है इस प्रकार सिद्ध होना चाहिए। ऐसा तो आप सिद्ध नहीं कर सकते,
क्योंकि ये प्रत्यक्षतया तो सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि बालक तो इस जन्म में है और बालक पिछले जन्म में उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही प्रतिभा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार सिद्धि करने के लिए हमारे पास प्रमाण ही नहीं है। तो गौरवात प्रमाणाभावात अन्यथा प्युपपत्तेश्च, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जब अदृष्ट से ही यहाँ प्रतिभा की उत्पत्ति हो रही है, तो जबरदस्ती जन्मांतरीय व्युत्पत्ति और अभ्यास को ले आने में क्या औचित्य है, ये पंडित राज का कहना है। और ऐसे हम जन्मांतरीय की कल्पना तभी कर सकते हैं जब वो पहले सिद्ध हो, अर्थात जन्मांतरीयो व्युत्पत्त्यभ्यासो कार प्रतिभा हेतुत्वेन तदा एव कल्प्यो, उसी समय हम इसको स्वीकार कर सकते हैं यदा जब व्युत्पत्त्यभ्यासो अस्मिन्नेव बालके अथवा अस्मिन्नेव पुरुषे पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि प्रतिभोत्पत्ति हेतुत्वेन स्वीकृतं स्यात्। ऐसा तो नहीं है क्योंकि सति कारणता निर्णये एव, कारणत्व जिससे निर्णीत हो चुका है उसके बाद उपस्थित विभिचार को निवारण करने के लिए जन्मांतरी की कल्पना की जाती है। जो प्रमाण से जिसकी कारणता ही सिद्ध नहीं है उसका अगर हम जन्मांतरी कल्पना करने लगेंगे, अन्यथा वही अगले वाक्य में कहा इस प्रकार जिसकी कारणता निर्णीत ही नहीं है उसके लिए भी अगर हम जन्मांतरी की युक्ति लगाने लगेंगे तो क्या होगा, अन्यथा तो व्यभिचारोपस्थित्या पूर्ववृत्त कारणता निर्णय भ्रमत्व प्रतिपत्तिरेव जायते। इस प्रकार का जन्मांतरीय कल्पना करने से जो पहले उसकी कारणता है उस कारणता कभी भी प्रमाण नहीं बन सकता है, वो भ्रमात्मक ज्ञान हो जाता है। अतः व्युत्पत्ति और अभ्यास का हम जन्मांतरीय कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये एक भाग हुआ। अब दूसरा भाग में चलते हैं। पंडित राज कहते हैं नापि केवलम अदृष्टमेव कारणम इत्यपि शक्यं वदितुम्। तो ठीक है, तब मान लेते हैं कि सिर्फ अदृष्ट ही प्रतिभा का प्रतिभोत्पत्ति में हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास को छोड़ देते हैं। तो पंडित राज कहते हैं न, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं। कियंतंचित कालम काव्यम कर्तुम अशक्नुवतः, कुछ दिनों तक जो है वो काव्य करने में, काव्य निर्माण करने में असमर्थ होने के बाद भी कथमपि संजातयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, किसी प्रकार से उसमें जो है व्युत्पत्ति और अभ्यास, सतत परिश्रम के वजह से उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों आ गए। प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनात्, उसमें प्रतिभा की उत्पत्ति होती है ऐसा तो लोक में देखने को मिलता है। तो उस समय में आप क्या कहेंगे, तो इसीलिए तत्रापि अदृष्टस्य स्वीकारः कार्यः इति पूर्वपक्षीयाः। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, वहाँ भी हम अदृष्ट की कल्पना कर लेते हैं। जो आप कहते हैं कि बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद एक कवि में व्युत्पत्ति और अभ्यास की वजह से जो प्रतिभोत्पत्ति दिख रही है वहाँ सिर्फ व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही प्रतिभा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे आप क्यों मान रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि वहाँ भी अदृष्ट है, तब तो ये व्युत्पत्ति और अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो पंडित राज कहते हैं कि तत्रापि अदृष्टस्य अंगीकारे, अगर हम वहाँ भी अदृष्ट का अंगीकार करने लगेंगे तो प्रागपिताभ्याम, ये व्युत्पत्ति और अभ्यास के पैदा होने से पहले भी अदृष्ट की उपस्थिति आप स्वयं मान रहे हैं। ठीक है, अगर व्युत्पत्ति और अभ्यास के पहले भी अदृष्ट था उस कवि में, उस व्यक्ति में, तो फिर काव्य को, तो फिर प्रतिभा की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। तस्याः प्रसक्तेः, तस्याः अर्थात प्रतिभायाः प्रसक्तेः, उस समय भी प्रतिभा होनी चाहिए थी ना, तो उस समय प्रतिभा नहीं थी, किंतु अदृष्ट की अगर हम व्युत्पत्ति अभ्यास के साथ साथ अदृष्ट की भी कल्पना अगर हम साथ में जोड़ने लगेंगे तो क्या होगा, कि यही होगा कि व्युत्पत्ति और अभ्यास आने से पूर्व क्षण में या उसके पहले अदृष्ट की उपस्थिति थी और कारण सत्वे भी कार्य अभाव इति अन्वय व्यभिचारो भवति, कारण के रहते हुए भी कार्य का अभाव हो रहा है तो इस प्रकार वहाँ व्यभिचार दोष आ जाएगा, अतः हम वहाँ पर अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब पूर्व पक्षी ने एक और युक्ति लगाई, कहा कि नहीं नहीं, वहाँ पर एक अदृष्ट रहने दीजिए, ये अदृष्ट तो था, उसके बावजूद इस अदृष्ट के रहने पर भी, व्युत्पत्ति अभ्यास के न रहने पर भी उसमें व्युत्पत्ति अभ्यास तो है ही नहीं, थे ही नहीं उस समय, और
अदृष्ट, ये जो अदृष्ट है वो था, वो अदृष्ट तो था, पर अदृष्ट के रहने के बावजूद भी उसमें उस समय प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं दिखी। उसमें क्या हेतु है? तत्र प्रतिभायाः प्रतिबंधकम् अदृष्टांतरम् कल्प्यम् इति न च वाच्य। पूर्व पक्षी कह रहा है वहाँ पर हम दूसरे एक और अदृष्ट की कल्पना करते हैं, और वो किस प्रकार का अदृष्ट होगा? वो होगा प्रतिबंधकात्मक अदृष्ट होगा, एक दूसरा अदृष्ट है। यतो ही सर्वमिदम् अदृष्टम्, क्योंकि ये सब कुछ हमको अपने आँखों से देखने को नहीं मिलता है, तो कल्पना करने में क्या जाता है? तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि वहाँ पर प्रतिबंधक रूप एक और अदृष्ट था, जिसके वजह से इस प्रतिभोत्पत्ति हेतु अदृष्टस्य सत्वेपि प्रतिभायाः अनुत्पत्ति इति कृत्वा व्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभाहेतुत्वं निरस्यता। उसको छोड़ दीजिए, उसका निराकरण कर दीजिए। इस प्रकार से अगर पूर्व पक्षी कहता है तो पंडित राज कहते हैं न च वाच्यम्, आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? तादृश, अरे देखिए, तादृश अनेक स्थलगत अदृष्टद्वय कल्पनापेक्षया। इस प्रकार हर जगह, कितने जगह पर आप दो दो अदृष्टों की कल्पना करते चलेंगे? एक जगह होगा कि एक ऐसा अदृष्ट जो प्रतिभोत्पत्ति हेतु बन सकता है, और एक दूसरा अदृष्ट जो उस प्रतिभोत्पत्ति हेतु का प्रतिबंधक बन सकता है। इस प्रकार अनेकानेक जो है असंख्य संख्या में आपको अदृष्ट कल्पना करनी पड़ेगी। अनेक स्थलगत अदृष्टत्वय कल्पनापेक्षया, इसके बदले कृतव्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभा हेतुत्व कल्पने लाघवात्। लाघवम ही इष्टम खलु शास्त्रकाराणाम्। शास्त्रकारों को लाघव बहुत अभीष्ट होता है। जब आपको व्युत्पत्ति और अभ्यास से साक्षात प्रमाणतया सिद्ध प्रत्यक्ष जब आपको प्रतिभोत्पत्ति हेतुत्व व्युत्पत्ति और अभ्यास में सिद्ध हो रहा हो, तब क्यों आप जो न दिख रहा हो उसमें क्यों आप जबरदस्ती इस प्रतिभा हेतुत्व को लगाना चाह रहे हैं? तो इसीलिए ऐसे व्युत्पत्ति अभ्यासों को ही प्रतिभा हेतु प्रतिभोत्पत्ति हेतुत्वेन स्वीकरणे लाघवं भवति। अतः प्रागुक्त सरणी लेव जायसी। इसीलिए जो पहले हमने कहा था वही सरणी ठीक है, वही मार्ग सही है। अब आगे चलते हैं। तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम्। तो प्रतिभा अत्र कार्यम्, तो इस प्रतिभा में जो कार्य है उस प्रतिभागत कार्य में एक कार्यतावच्छेदक होगा, और वो कार्यतावच्छेदक क्या होगा? उस प्रतिभा निष्ठ जो विलक्षणता है वो विलक्षणता ही कार्यतावच्छेदक है। तो प्रतिभागतं वैलक्षण्यम् एव कार्यतावच्छेदकम्। तर्हि आप यहाँ सवाल ये है कि अदृष्ट से उत्पन्न प्रतिभा और व्युत्पत्ति अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा, इन दोनों में अंतर आप कैसे समझेंगे? इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? देखिए, अदृष्टजन्य प्रतिभा के रहने पर भी व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा का न रहना तो सिद्ध है। इसके कारण क्या होगा? कारणत्वाभिमत सत्वेपि कार्यत्वाभिमतानुत्पत्ति ही इति अन्वय व्यभिचार। दो प्रकार का प्रतिभा आपने बताया, एक है अदृष्टजन्य प्रतिभा और दूसरा है व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा। जहाँ पर अदृष्टजन्य प्रतिभा रहती है वहाँ पर व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा नहीं रहती है, और जहाँ पर व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा रहती है वहाँ पर अदृष्टजन्य प्रतिभा नहीं रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी तो अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार है। कारण सत्वे कार्याभाव, कार्य सत्वे कारणाभाव, इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्यभिचार यहाँ पर भी तो हो रहा है। तो इसलिए पंडित राज ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। जैसे तृणारणि मणि न्याय होता है, तृण से भी अरणि से भी और मणि से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है, और जो तृणाग्नि या तारणाग्नि जो होता है, तृणजन्य जो अग्नि होता है, वो अरणिजन्य अग्नि से बिल्कुल अलग होता है, विजातीय होता है, और मणिजन्य अग्नि से बिल्कुल अलग होता है। इसी प्रकार अदृष्टजन्य प्रतिभा व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा से बिल्कुल विलक्षण होती है। तो तादृश अदृष्टस्य तादृश व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च
प्रतिभागतम वैलक्षण्यम कार्यतः वच्छेदकम्। इन दोनों का प्रतिभा निष्ठ जो विलक्षणता है वो विलक्षणता ही प्रतिभा का कार्यता वच्छेदक है। अर्थात प्रतिभा एक कार्य है, प्रतिभा कार्यम अदृष्टम तथा व्युत्पत्त्यभ्यास च कारणद्वयम्। तो कार्य में होता है कार्यता और कार्यता अन्योनातिरिक्त वृत्तित्व धर्म से युक्त होता है और वो क्या है, वो है प्रतिभात्वम प्रतिभागतम वैलक्षण्यम। जो प्रतिभागत वैलक्षणता है ये विलक्षणता ही कार्यतावच्छेदक है। तो इससे क्या होगा कि अदृष्टजन्य प्रतिभा जो है वो विलक्षण है और व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य जो प्रतिभा है वो विलक्षण है। इस प्रकार कर लेने से यहाँ पर कोई व्यभिचार की अपेक्षा नहीं होती है। और प्रतिभात्वंच कवितायाः कारणतावच्छेदकम्, ये तो पहले ही सिद्ध है। प्रतिभात्व जो है कविता का यानी काव्य का कारणतावच्छेदक है। अथवा हम ये कह सकते हैं, अरे देखिए आपने ये कहा, ये तो हम मान लेते हैं कि ये जो अदृष्टजन्य प्रतिभा में रहने वाला जो विलक्षणता है और व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभागत विलक्षणता दोनों अलग अलग है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु आपने क्या कहा था, तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा कहा था। तो प्रतिभा खलु काव्यस्य कारणं, और प्रतिभा में क्या होती है, कारणतावच्छेदक है। प्रतिभात्वं कारणतावच्छेदकं खलु, तो इस प्रतिभात्वं में आप ये विलक्षणता कैसे ले आइएगा प्रतिभा। तो इसीलिए पंडित राज ने कहा यद्यपि प्रतिभात्वंच कवितायाः कारणतावच्छेदकम्, ठीक है हम मानते हैं। तो वहाँ पर हम एक और तरीका अपना सकते हैं, और वो ये है कि प्रतिभागत वैलक्षण्यमेव वा विलक्षण काव्यम प्रति। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अदृष्टजन्य प्रतिभा से उत्पन्न काव्य विलक्षण होता है और व्युत्पत्ति अभ्यास जन्य प्रतिभा से उत्पन्न काव्य विलक्षण होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो इसलिए इस प्रतिभा में निष्ठ, प्रतिभा में जो विलक्षणता है, और प्रतिभा में जो विलक्षणता है वो कहाँ से आया है, वो उसके हेतु से आया है। और वो क्या है, या तो अदृष्टजन्य प्रतिभा से विलक्षण वो प्रतिभा हो सकती है, या व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य विलक्षणता हो सकती है। इस प्रकार से अदृष्टजन्य विलक्षण प्रतिभा से उत्पन्न काव्य भी विलक्षण होता है और व्युत्पत्त्यभ्यासजन्य प्रतिभा से निष्पन्न उससे आ गया जो काव्य है वो भी विलक्षण होता है। अतः यहाँ पर भी जो है कोई विरोध नहीं है, यहाँ पर भी कोई व्यभिचार नहीं है। एक और आगे चलते हैं और कहते हैं कि सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः तत्र अन्वय व्यभिचारः इति न च वाच्यम्। जहाँ पर व्युत्पत्ति और अभ्यास रहने के बावजूद भी जहाँ पर प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं होती है वहाँ पर अन्वय व्यभिचार तो हो रहा है, इस प्रकार आप नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि तत्र तयोः तादृश वैलक्षण्यमाना भावेन। अर्थात सिर्फ व्युत्पत्ति और अभ्यास रहने से प्रतिभा की उत्पत्ति होती है, प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अन्वय व्यभिचार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास एक व्यक्ति में रहने के बाद भी जहाँ पर प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है वहाँ पर तो व्यभिचार है ही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंडितराज कहते हैं तत्र तादृश स्थले, ऐसे स्थलों में आपको ये मानना है तादृश वैलक्षण्य माना भावेना, जो उस विलक्षणता है उस विलक्षणता में कोई प्रमाण नहीं है। एक विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही जो है प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार आपको सिद्ध करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कारणतावच्छेद कारणवच्छिन्नत्वात्, जो व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा के लिए हेतुत्व है उसमें एक कारणता होनी चाहिए, और उस कारणतावच्छेदक जो बनता है व्युत्पत्ति अभ्यासत्व
उसमें वो विलक्षणता नहीं है, इस प्रकार सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। तयोः तादृश वैलक्षण्ये, उस प्रकार की विलक्षणता में प्रमाणाभावेन कारणतावच्छेदक अनवच्छिन्नत्व, कारणतावच्छेदक से वो अवच्छिन्न नहीं है, उसमें आ ही नहीं पा रहा है। अथवा पाप विशेषस्य तत्र प्रतिबंधकत्व कल्पनात्वा न दोषः, या फिर हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर एक पाप विशेष के रहने के वजह से वहाँ पर व्युत्पत्ति और अभ्यास के रहने के बावजूद भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, वो विलक्षणता नहीं आ रही है, इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं। और ये प्रतिबंधका भाव जो है वो तो सभी कार्यों में कारणत्व के रूप में अभीष्ट सबको है। प्रतिबंधका भावस्य च कारणता, प्रतिबंधका भाव कार्य सामान्यम प्रति कारणम, हर किसी कार्य में प्रतिबंधका भाव कारण बनता ही बनता है। तो इस प्रतिबंधका भाव की जो कारणता है वो तो समुदित शक्त्यादित्रय हेतुतावादिनः, अर्थात इति हेतुस्तदुद्भवे में जो शक्ति निपुणता अभ्यास के समुदाय को जो कार्य का हेतु मान रहे हैं उनके पक्ष में, और शक्तिमात्र हेतुतावादिनः और जो सिर्फ प्रतिभा को हेतु मान रहे हैं काव्य का, उन दोनों में जो है यहाँ पर प्रतिबंधका भाव का जो कारणता है वो तो समान है ही। तो जब तक प्रतिबंधका भाव नहीं आएगा तब तक जो है व्युत्पत्ति और अभ्यास रहने पर भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास रहने के बाद प्रतिभा की उत्पत्ति होने में प्रतिबंधका भाव भी सहकारी बनता है, ये कहने का तात्पर्य है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, हाँ देखिए, प्रतिवादिना मंत्रादिभिः कृते कतिपय दिवसव्यापिनी वाक्स्तंभे, प्रतिवादी ने कुछ मंत्र प्रयोग करके किसी का वाक्स्तंभन कर दिया है, तो वाक्स्तंभ होने के बाद वो कुछ ही दिनों तक रहेगा, और जब उसका प्रभाव कम हो जाएगा उसके बाद विहितानेक प्रबंधस्यापि कवेः काव्या अनुदयस्य दर्शनात्, वो पहले भले ही बहुत ही काव्य की रचना कर लिया हो इसके बावजूद उसमें जो है जब वो वाक स्तंभित हो जाता है, स्तंभित वाक से वो काव्य की रचना नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास नहीं है। व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उसमें है, किंतु वहाँ पर एक प्रतिबंधक आ गया है, और ये प्रतिबंधक किस प्रकार का है, प्रतिवादीकृत मंत्रादि से हो गया है। तो जब तक ये प्रतिवादीकृत मंत्र का निवारण नहीं होता है, उस प्रभाव का निवारण नहीं होता है, तब तक व्युत्पत्ति और अभ्यास के रहने के बावजूद भी जो है वो काव्य का निर्माण नहीं कर सकता है, उसमें वो प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो प्रतिभा की उत्पत्ति में का देखिए ये इसीलिए पंडित राज ने यहाँ पर मंत्रादि का उल्लेख इसीलिए किया है कि मंत्रादियों के प्रयोग करने से प्रतिभा की उत्पत्ति में बाधा होती है, न तो काव्य करने में बाधा। काव्य लिखने में हाथ की आवश्यकता होती है, तो अगर हाथ काट देने से भी या आँख निकाल देने से भी जो है काम हो सकता है, किंतु बिना हाथ के, हाथ का भी और बिना आँखों का भी लोग कवि तो बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मंत्रादि से कहाँ रोक लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है प्रतिभा की उत्पत्ति में। तो इसीलिए भले ही वो पहले बहुत काव्य की निर्माण कर लिए हो, तो उससे ये सिद्ध हो ही जाता है कि उसमें प्रतिभा है उस व्यक्ति में, और उसमें जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का हेतु क्या है, उस प्रतिभा कहाँ से आई है उनमें, वो तो आई है व्युत्पत्ति और अभ्यास से। तो व्युत्पत्ति अभ्यास तो कहीं चले नहीं गए हैं, वो तो है उनमें। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के रहने के बावजूद भी उसमें वो प्रतिभा, वो विलक्षण प्रतिभा क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि प्रतिवादीकृत मंत्र से उसका वाक स्तंभन हो गया है, यानी प्रतिभोत्पत्ति में एक बाधा आ गई है। और इस प्रतिबंधक का जब तक अभाव नहीं होगा, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, निवारण नहीं होगा, तब तक व्युत्पत्ति और अभ्यास रहने के बावजूद भी प्रतिभा की उत्पत्ति नहीं दिखती है। अतः प्रतिबंधक अभाव का कारणत्व तो या कारणत्व सामग्री में एक है, इस प्रकार गिनती तो सब लोग करते ही करते हैं। इस प्रकार प्रतिभा का हेतु या तो सिर्फ अदृष्ट हो सकता है या सिर्फ व्युत्पत्ति और अभ्यास हो सकते हैं, न तो त्रयमेव। इति प्रतिभा के हेतु में क्या कारण है, इसका भी चर्चा पंडित राज ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और जो काव्य का कारण है वो सिर्फ प्रतिभा हो सकती है, और
क्योंकि दो प्रकार से प्रतिभा की उत्पत्ति हो सकती है, एक है अदृष्टजन्य प्रतिभा और दूसरी है व्युत्पत्ति और अभ्यासजन्य प्रतिभा। तो उसमें जो विलक्षणता आती है प्रतिभा में, उस विलक्षणता ही काव्य में भी वैलक्षण्य को ले आती है। इस प्रकार से काव्यकारण का जो आक्षेप है, काव्यकारण का जो विषय है, उसका बहुत सुंदर तरीके से पंडित राज ने यहाँ पर उपस्थिति की है। इति काव्यकारण विमर्शः पंडितराजोक्तः अत्र समाप्यते। धन्यवादाः।